मार्शमेलो। अरे ये क्या है आज नया हेलो के साथ? तो हमारा जो लेसन है सी यू लेटर, ये लेसन भी कुछ इस तरह से ही है। हमें यहाँ पर बच्चों को ये जो फेयरवेल फ्रेजेस या गुड बाय फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि सी यू लेटर, एलिगेटर, आफ्टर अ वाइल, क्रोकोडाइल, ये किस तरह से बनते हैं और किस तरह से इन्हें बोलना चाहिए, यहाँ पर हमें बच्चों को ये सिखाना है। साथ ही साथ सबक में आने वाले जो जो नए एनिमल्स हैं या फ्लावर्स हैं, जो भी नए नाम हैं बच्चों को, हमें यहाँ पर वो समझाना है कि वो नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, किस तरह से हमें उसके फेयरवेल सेंटेंस बनते हैं, ये भी हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चे ये जो फेयरवेल फ्रेजेस हैं सुने और इसे रिपीट करें, इन्हें सही तरीके से दोहराएं, और बाद में वो खुद भी अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद से भी फेयरवेल फ्रेजेस यहाँ पर बनाएं। हम यहाँ पर बच्चों को ये बात का ख्याल रखना सिखाएंगे कि पोलाइटली गुड बाय बोलना कितना जरूरी है। जैसे कि अगर वो कहेंगे बाय तो बहुत ही रूडली लगेगा, लेकिन वो कहेंगे बाय बाय बटरफ्लाई तो एक क्राइम भी बन जाएगा और एक बहुत अच्छे से पोलाइटनेस से वो गुड बाय भी कह सकेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों को यहाँ पर जानवर और इंसान के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, और जानवर और जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ये चीजें भी यहाँ पर बताएंगे, ताकि ना सिर्फ वो सबक के जरिए उनकी इल्मी तरक्की हो, बल्कि उनकी समाजी तरक्की हो, उनकी जो तहजीबी तरक्की है वो उसका भी हम यहाँ पर ख्याल रखेंगे, ताकि हमारी एनईपी 2020 की तमाम मकासद हमें यहाँ पर हासिल हो जाए। क्योंकि इस सबक में सारी ऐसी ही चीजें हैं, तो हम बच्चों को खेल खेल में ये सबक सिखाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सबक। सी यू लेटर, बाय बाय बटरफ्लाई।